नमस्कार दोस्तों, वागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारे पास में टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, या हम इसको कह सकते हैं गाइगर मार्सडन प्रयोग। तो जो टॉपिक है हमारे पास में, ये इसकी जो हेडिंग हम शुरू करते हैं वो दो तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में इससे प्रश्न उठ सकता है। या तो वो कहेगा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, या वो उसी प्रयोग को कह देता है गाइगर मार्सडन का प्रयोग। देखिए, ये दोनों टॉपिक है एक ही, उनके जो हेडिंग्स है वो थोड़ी अलग है। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल को जानकारी, या परमाणु मॉडल जैसा कि थॉमसन ने बताया, हमने पढ़ा भी है, थॉमसन ने जो परमाणु का मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल जिसको बोला जाता है, 10^-10 मीटर त्रिज्या का ठोस गोला उन्होंने बताया। तो उसमें कुछ कमियां रह गई, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फिर वैज्ञानिक लेनार्ड हुए, हमने पढ़ा है। तो लेनार्ड ने भी परमाणु के मॉडल को डिस्क्राइब किया, लेकिन वो भी पूरी तरीके से परमाणु मॉडल के बारे में हमें नहीं समझा पाए। तो उसके बाद में वैज्ञानिक हुए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिस प्रयोग को अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग को करने के लिए दो वैज्ञानिकों ने उनकी मदद की, या आप ये समझ सकते हैं कि दो वैज्ञानिक जो थे जिनका नाम था गाइगर और मार्सडन, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने रदरफोर्ड की सहायता की प्रायोगिक व्यवस्था सेटअप करने में। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या रदरफोर्ड ने किया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने क्यों ये प्रयोग किया। तो रदरफोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था इस प्रयोग को लेकर, रदरफोर्ड का मुख्य उद्देश्य था इस प्रयोग को लेकर वो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, उनकी जो कमियां थी उन कमियों को दूर करना चाहते थे। जो एक्चुअल परमाणु का मॉडल है वो बताना चाहते थे कि परमाणु रियल में किस प्रकार से है, उसके बारे में रदरफोर्ड इस प्रयोग के द्वारा हमें समझाते हैं। और लगभग जो ये परमाणु का मॉडल हमें रदरफोर्ड ने दिया था वो बिल्कुल आज तक हम उसी मॉडल को पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इस प्रयोग की हम प्रायोगिक व्यवस्था की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं एक यहाँ प्रायोगिक व्यवस्था का डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद में हम उसमें देखेंगे उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स है, जिनका क्या क्या यूज़ है और किस तरीके से वो वर्किंग करते हैं। जो सेटअप इन्होंने लगाया, प्रायोगिक व्यवस्था, ये एक पीबी का बॉक्स है, पीबी मतलब लेड का बना हुआ, पीबी बॉक्स लेड का बना हुआ एक बक्सा है। लेड का ही क्यों बना है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ पड़ा है, कौन सा पदार्थ पड़ा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। यहाँ एक स्वर्ण पत्र रखा गया है, सोने की पतली परत, स्वर्ण पत्र यहाँ, लेड की ईंटें रखी जाती है। ठीक है ना, यहाँ लेड की ईंटें होगी। ये ZNS पर्दा कहलाता है, और साथ में यहाँ लगा होता है एक काउंटर, इसको बोलते हैं संगणक। और यहाँ से अल्फा
कणों की बौछार, यह है अल्फा कण। ये जो भी प्रायोगिक व्यवस्था इन्होंने बनाई, ये पूरी की पूरी एक बंद डब्बे में, जिसके भीतर क्या होगा, इस पूरे बंद डब्बे में है निर्वात। तो ये रदरफोर्ड की प्रायोगिक व्यवस्था थी, ये पीबी की ईंटें हैं। तो अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को समझाइए, तो ये उस अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की एक कंप्लीट प्रायोगिक व्यवस्था होती है। अब इसमें देखिए, जिस समय रदरफोर्ड थॉमसन, या रदरफोर्ड से पहले भी वैज्ञानिक थॉमसन जो है वो परमाणु मॉडल के बारे में खोजबीन कर रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से जैसा परमाणु मॉडल दिया वो दिया, उसकी कुछ पॉजिटिव बातें भी थी। थॉमसन के परमाणु मॉडल से ही प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, कुछ कमियां भी थी। वो रदरफोर्ड के मॉडल में भी कमियां हमें देखने को मिलेगी, हर मॉडल की अवधारणा है और हर मॉडल की कोई ना कोई कमियां हैं, तो वो तो सभी मॉडल्स में होनी है। जिस समय थॉमसन परमाणु के बारे में अध्ययन कर रहे थे, रदरफोर्ड भी परमाणु के बारे में ही अध्ययन करने के लिए ये प्रयोग सेटअप किया, उस समय तक वैज्ञानिक हुए बेकुरल, जो रेडियो एक्टिव पदार्थों पर खोज कर रहे थे। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उनकी खोज की, और रेडियो एक्टिव पदार्थ से मुख्यतः तीन प्रकार के कण हैं वो इमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं। एक है अल्फा कण, दूसरा है बीटा कण, और तीसरा है गामा किरणें। अब ये किस तरीके से निकलते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, हम जो अगला चैप्टर परमाणु से बाद में जो चैप्टर आता है नाभिक, उसके बारे में हम वहाँ पर इस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। फिलहाल जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर दिया, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ बेकुरल वाली, देखो क्योंकि बेकुरल का यहाँ रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में यूज़ किया है। क्या यूज़ किया, आप ध्यान से देखिए बेकुरल को कहाँ यूज़ किया है। ये पीबी का बॉक्स दिख रहा है आपको, इस पीबी के बॉक्स के अंदर देखो मैंने क्या रखा है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्योंकि अल्फा प्रकीर्णन के लिए मुझे क्या चाहिए, अल्फा कणों की बौछार। ये दिख रही है आपको, ये सोने की पतली परत, इस सोने की पतली परत पर किसकी बौछार करवानी है, अल्फा कणों की। तो ये अल्फा कण लाए कहाँ से, अल्फा कण मिलते नहीं है प्रकृति में, कभी अल्फा कण ले आए बक्से में भरा, गोली बंदूक में भरा और उनकी बौछार कर दी, ऐसे नहीं मिलता। अल्फा कण स्वतंत्र रूप में प्रकृति में नहीं प्राप्त होता है, ये केवल और केवल किससे निकलेगा, ये केवल और केवल निकलता है रेडियो एक्टिव पदार्थ से। तो ये बात हमें किसने बताई, ये बात हमें बेकुरल ने बताई। तो उसी के तर्ज पर हमें पता लगा कि भाई ये अल्फा कणों की हम बौछार करवा सकते हैं। तो ये अब बात आती है, सर इसमें पीबी के बक्से में क्यों रखा, लेड के बॉक्स में क्यों रखा, आयरन बॉक्स में भी रख सकते थे, प्लास्टिक में भी रख सकते थे रेडियो एक्टिव पदार्थ को। जब हम पढ़ेंगे विस्तार से तो आपको पता लगेगा। अभी मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनमें से अल्फा कण निकलते हैं, बीटा कण निकलते हैं, गामा किरणें निकलती है, और बहुत सारी हानिकारक विकिरणें निकलती हैं। जैसे मैं गामा किरणों की बात करूँ तो गामा किरणों की जो भेदन क्षमता है, भेदन क्षमता समझे ना, भेदने की क्षमता, किसी को पार कर जाने की क्षमता, वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप ये समझ लो कि कंक्रीट की मोटी दीवार, जो अपन कंक्रीट की मोटी दीवार बनाते ना ईंटों की, ये उसको भी आराम से भेद सकती है, पार कर सकती है। तो सोचो फिर उससे मोटा तो, उससे मजबूत तो कोई और पदार्थ होगा नहीं। लेकिन फिर पीबी क्यों लिया, क्योंकि इसमें से जब हम इस रेडियो एक्टिव पदार्थ को यहाँ रखेंगे तो बहुत सारी गामा किरणें निकलेगी और उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ आसपास काम करने वाले लोगों को वो नुकसान पहुँचा सकती है। तो हम चाहते हैं हम केवल किसका यूज़ करें, हम केवल अल्फा कणों का यूज़ करें, अल्फा कणों का यूज़ करें, बाकी जो कण निकलते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, ये जो अल्फा कण है वो हम यूज़ में ले लेंगे, बाकी की जो हानिकारक विकिरणें निकलेगी उन हानिकारक विकिरणों को, जो पीबी है ये एक अच्छा अवशोषक है गामा किरणों का, ये न्यूट्रॉन्स का भी बहुत अच्छा अवशोषक होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये उन गामा किरणों को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो ये हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे तो अल्फा कण निकल जाएंगे। देखो ये अल्फा कणों की बौछार जा रही है ना यूं, ये ऐसे क्यों हुई, ऐसे क्यों हुई, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक टॉपिक आता है स्वर्ण पत्र। जैसे ही ये अल्फा कण यहाँ से निकलेंगे, ये सोने की पतली परत में से होकर गुजरते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर सोने की ही पतली परत क्यों ली, और ये परत ही क्यों ली, पहली बात तो प्रश्न ये बनता है ये परत ही क्यों ली, अल्फा कण को हम परत से क्यों गुजार रहे।
ये पता लग जाएगा परत क्यों ली, तो उसके बाद में क्वेश्चन उठता है कि हमने सोने की पतली परत क्यों ली। तो इसमें क्या है, आप ध्यान से समझिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रयोग से। रदरफोर्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु का मॉडल किस तरीके से, जैसे कि थॉमसन ने जो बता दिया था, वो बता दिया था कि परमाणु है भैया वो ठोस है, 10^-10 मीटर का ठोस गोला है। उन्होंने उसकी तुलना तरबूज से भी कर दी थी। यहाँ रदरफोर्ड, और उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि रदरफोर्ड के प्रयोग से पहले एक वैज्ञानिक हुए थे लेनार्ड, जिन्होंने ये कहा था कि परमाणु है वो खोखला है, उन्होंने कैथोड रे परीक्षण किया था, और वास्तविकता में ये बात उनकी राइट साबित हुई थी कि हाँ परमाणु है तो खोखला, लेकिन फिर वो बता नहीं पाए थे कि भाई परमाणु खोखला है तो जो लाल भाग धनावेश वाला था वो कहाँ गया, उसके बारे में लेनार्ड नहीं बता पाए थे, तो वो फिर इतना प्रभावशाली नहीं हुआ उनका मॉडल। लेकिन ये बात पता लग गया था कि परमाणु खोखला है, तो रदरफोर्ड को भी कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि परमाणु है तो खोखला। तो ये जो सोने की परत हमने यहाँ लगाई है ना, पता हो क्या रहा है कि जैसे हर पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है, तो ये जो सोने की परत ले रहा है, ये जो परत इस तरीके से रखी गई है, तो इसमें भी तो क्या होंगे, बहुत सारे परमाणु ही होंगे। तो अल्फा कण जब इसको पार करेगा परत को, मतलब इनडायरेक्टली वो किसको पार कर रहा है, परमाणुओं को पार कर रहा है। ये परत किससे मिलकर बनी है, सोने के परमाणुओं से। अब पतली परत लेने का क्या मतलब है कि रदरफोर्ड चाहते थे कि जब ये अल्फा कण इस परत को पार करे तो ये ज़्यादा परमाणुओं से होती हुई ना गुजरे, अल्फा कणों को ज़्यादा परमाणु रास्ते में ना मिले, क्योंकि देखो परमाणु है तो खोखला लेकिन है बहुत छोटा, तो अगर थोड़ी सी भी मोटी परत लेंगे तो कम से कम 100 या 1000 परमाणु में से होकर अल्फा कण को गुजरना पड़ेगा। तो परमाणु है तो खोखला, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए सीरीज बना के बैठा, लाइन से बैठा कि भाई अल्फा कण आया, हाँ भाई निकल जाओ। तो अल्फा कण कहीं ना कहीं उलझ सकता है, अन्य परमाणु से टकरा सकता है। तो रदरफोर्ड चाहते थे कि भाई जब ये अल्फा कण इस परत को पार करे, मतलब कि इनके परमाणुओं को पार करे, तो वो मैक्सिमम 1 या 2, मतलब बहुत कम परमाणुओं से होकर गुजरे, ताकि हमें एग्जैक्ट पता लग पाए कि परमाणु का स्ट्रक्चर, परमाणु का मॉडल है क्या। यह बात वो हमें क्लियर करना चाहते थे। तो उन्हें एक ऐसे पदार्थ की आवश्यकता थी जिसकी बहुत पतली परत बन सके। जैसे अपन एक कागज का पेज लेते हैं, पेज होता है ना जो अपना अपन लिखते हैं, राइटिंग वाला पेपर, उसकी मोटाई कितनी होती है, 10^-3 मीटर या 10^-4 मीटर, तो उससे भी कम। तो ऐसी कौन सी धातु है जो इतनी पतली परत बना सकता है, क्योंकि देखो जितनी परत पतली होगी ना उतने परमाणु कम होंगे, तो वो कम से कम परमाणु से होकर अल्फा कण गुजरेंगे। तो बात आई कि भाई इतनी पतली परत किस धातु की बनाई जा सकती है, तो दिमाग में इतनी पतली परत है वो सोने की धातु की बनाई जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, गहने बनवाते हैं, तो बहुत कम सोने पर बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन के क्या बन जाते हैं, गहने बनते हैं ना, तो कितनी बारीकी से काम होता है, बिल्कुल पतली सी परत से वो ऑर्नामेंट्स बन जाता है। तो सोना एक ऐसी धातु है जिससे बहुत पतली परत से क्या बनाया जा सकता है, ऑर्नामेंट्स बनाया जा सकता है। तो इसी कारण एक पतली परत धातु, ऐसे धातु की आवश्यकता थी जिसे एक पतली परत ली जा सके, तो उसके रूप में किसको काम में लिया, स्वर्ण पत्र को। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई, इस सोने की परत में से क्या निकलेंगे, अल्फा कण। आगे देखो, फिर मैंने ऊपर 2 नीचे 2 पीबी की इंटें लगाई है। इसका क्या यूज़ है यहाँ पर, इसका सेम वही यूज़ है जो यहाँ था, कि भाई जब अल्फा कण निकलेंगे तो हो सकता है कुछ अल्फा कण बाहर जाने की कोशिश करे, या कुछ गामा किरणें निकल जाए जो सोने की परत में से निकल जाए, और इस भाई बॉक्स होगा, बंद बॉक्स में है ये सारा प्रयोग, लेकिन बॉक्स की दीवार इतनी खतरनाक या मोटी थोड़ी ना होगी कि गामा किरणें पार नहीं कर सकती, वो तो पार कर जाएगी। तो उसके लिए ये अभी तो हम प्रयोग जो व्यवस्था बनाते हैं ना, इसमें एक नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं, भी ऐसे ऐसा होता है, तो ऐसा थोड़ी कि 4 ही इंटें रखेंगे, फिर तो गामा किरणें बीच में से निकल जाएगी। ये तो आपको एक बताया गया है कि इस तरीके से पीबी की सीरीज लगाते हैं कि गामा किरणें इधर उधर विचलित होकर बाहर नहीं निकले, कोई एक्सीडेंट होने की मौका ना, एक्सीडेंट ना हो, इंसिडेंट ना हो, उसके लिए पीबी क्या करेगा, गामा किरणों को, न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर लेगा, तो कोई भी एक्सीडेंशियल घटना यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद में हमने लगाया है एक ZnS पर्दा, जिंक सल्फेट का पर्दा। इसका क्या यूज़ है, देखो जब अल्फा कण सोने की परत को पार करेंगे, तो पार करने के बाद मान लो कोई अल्फा कण यूं गया और ZnS के पर्दे पर यहाँ टकराया, तो ZnS के पर्दे की क्या खास बात है कि जब यहाँ अल्फा कण टकराएगा तो अल्फा कण के टकराने के बाद पर्दे पर एक चमक उत्पन्न होगी, लाइट, दीप्त।
ये ZNS का पर्दा मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट है क्या, पुराने ज़माने के जो टेलीविज़न बॉक्स होते थे, आज के टाइम में तो LEDs आती है, पुराने ज़माने में क्या होते थे, वो एक बक्से वाली टीवी आती थी ना, पीछे बक्सा लगा होता था, उस बक्से को अगर आप खोल के कभी देखो किसी के घर पे पुरानी टीवी है तो पीछे एक ट्यूब लगी होती थी, उसको CRT ट्यूब बोला जाता था, कैथोड रे ट्यूब। तो उसमें होता क्या था, यही जो उसके जो CRT ट्यूब है यानी जो हमारे जो टेलीविज़न है उसके जो आगे वाला वो ठोस है ना जिस पे हमें पिक्चर दिखाई देती है कांच जैसा, वही ZNS का पर्दा है। उसमें क्या होता है, कैथोड रे में से पीछे से इलेक्ट्रॉन्स की बीम आती है, वो उससे टकराती है, वहाँ चमक उत्पन्न होती है, वो चीज़ हमें दिखाई देती है, तो सेम वही ZNS का पर्दा है। तो यहाँ क्यों लगाया, यहाँ इसीलिए लगाया कि ताकि हमें पता लगे कि जब अल्फा कण सोने की परत को पार करे तो सोने की परत को पार करने के बाद में कितने अल्फा कण आए हैं, कहाँ कहाँ आए हैं, सीधे आए हैं, विचलित हुए हैं, क्या हुआ है। और उसके साथ में यहाँ पर लगाया गया है संगणक, मतलब वो काउंटर, ये काउंट करेगा कितने अल्फा कण सीधे आए हैं, कितने अल्फा कण मुड़े हैं, कब, सोने की परत से गुजरने के बाद में। तो ये सारी बात इस तरह उन्होंने एक प्रायोगिक सेटअप किया। समझ में आ गई आपको सारी प्रायोगिक व्यवस्था उन्होंने क्या की। अब हम आते हैं इसकी कार्यविधि पर, और कार्यविधि के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या निकाले, निष्कर्ष, और उन निष्कर्ष के आधार पर क्या बनी, रदरफोर्ड की अवधारणाएं, और फिर क्या जाएगी, रदरफोर्ड की कमियां, जैसे थॉमसन की थी वैसे रदरफोर्ड की प्रायोगिक व्यवस्था के बाद में। तो निष्कर्ष पर आते हैं, सबसे पहले क्या निष्कर्ष निकला, क्या देखने को मिला रदरफोर्ड को, रदरफोर्ड को देखने को मिला कि जैसे ही अल्फा कणों की बौछार की सोने की पतली परत पर, ज़्यादातर अल्फा कण, मैक्सिमम अल्फा कण है वो बिना विचलित हुए एकदम सीधे किससे टकराए, ZNS के पर्दे से, बिल्कुल सीधे गए, कोई विचलन नहीं, और सीधे सीधे जाके ZNS के पर्दे से टकरा गए मैक्सिमम अल्फा कण। तो पहली बात रदरफोर्ड को क्या पता लगी, पहली बात रदरफोर्ड को ये पता लगी कि भाई परमाणु में से गुजरने वाले ज़्यादातर अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का मैक्सिमम भाग कैसा है, खोखला है, यही मतलब हुआ ना इसका, परमाणु का मैक्सिमम भाग क्या है, परमाणु का मैक्सिमम भाग है वो खोखला है। ये पहला निष्कर्ष था। उसके बाद में उन्होंने देखा कि जो ये तो बात लेनार्ड ने भी बताई थी कि कैथोड रे परीक्षण में भी क्या बताया था कि ज़्यादातर कैथोड किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकली, तो खोखला बताया था लेनार्ड ने भी बताया था, ये बात रदरफोर्ड ने भी बताई कि अल्फा कण है वो बिना विचलित हुए, ज़्यादातर अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, तो परमाणु का मैक्सिमम भाग है वो खोखला। उसके बाद में जो अगली बात थी कि कुछ अल्फा कण, अब मैं इस डायग्राम को हटा देता हूँ, आप इसको बना लेना, अब अपन बात करते हैं जो आगे की घटनाएं हो रही है उसको लेकर, तो उसको समझने के लिए मैं अलग से एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखो थॉमसन के अनुसार जैसे ये परमाणु का गोला है 10^-10 मीटर का, ये थॉमसन के अनुसार है, लेकिन थॉमसन के अनुसार था क्या, ये ठोस था, और बीच बीच में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स जो काले बीज थे, और ये सारा भाग जो इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो भाग है वो पूरा का पूरा क्या था, उन्होंने बताया था वो लाल भाग है ना, धनावेश। लेकिन जब रदरफोर्ड ने प्रयोग किया तो मैक्सिमम अल्फा कण क्या हो रहे हैं, इसको मैं आपको बता दूं अल्फा कण की, तो अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, हीलियम के नाभिक को क्या बोला जाता है, अल्फा कण, और अल्फा कण हमेशा होता है धनावेशित कण, कैसा कण होगा, धनावेशित। तो इस परमाणु में से ज़्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए, मतलब वो ठोस भाग नहीं है इसमें, इसका मतलब परमाणु का मैक्सिमम भाग कैसा है, खोखला। कुछ अल्फा कण जो है, मैं यहाँ पर अगर मैं इसमें बात करूँ जो रदरफोर्ड के अनुसार थी कि कुछ अल्फा कण परमाणु में से निकलने के बाद विचलित हुए है ना, विचलित होने का मतलब है वो यूं गए और यूं चले गए, ये विचलन है। तो कुछ अल्फा कण विचलित हुए, इससे रदरफोर्ड को लगा देखो अल्फा कणों को विचलित करने के लिए अल्फा कण जैसे ही धनावेशित कण चाहिए। मैंने आपको 11वीं क्लास में टक्कर पढ़ाई है, टक्कर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था दो कणों का स्पर्श करना जरूरी नहीं है, और वहाँ यहाँ वहाँ हमने ये उदाहरण भी यही लिखा था क्या, अल्फा परकिरणन प्रयोग है ना, तो उसमें क्या होता था, ये धनावेश जब ये एक दूसरे के पास में आ जाए तो प्रतिकर्षण बल से एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, टक्कर ही है।
तो जब ये अल्फा कण सीधा जा रहा था, अच्छा टक्कर में होता क्या है, पथ बदल जाता है, दिशा बदल जाती है, वेग बदल जाता है, तो पथ बदल गया ना, देखो ये सीधा आ रहा था मुड़ गया, तो अपने आप पथ कैसे बदल गया, इसका मतलब इस अल्फा कण को इसी के तरह किसी धनावेशित कण ने क्या किया है, प्रतिकर्षित किया है, और ये अपने पथ जो सीधा जाना चाहिए था वो सीधा जाने की बजाय अपने पथ से विचलित हो गया। ठीक है।